कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए शासन के निर्देश पर लगाया गया 59 घंटे के कर्फ्यू का जिला व पुलिस प्रशासन कड़ाई से पालन करा रही है। शुक्रवार को चेतना तिराहे पर एसपी सिटी सोनम कुमार और एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस ने चेतना तिराहे पर कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की। इस दौरान सीओ कैंट अजय कुमार सिंह सहित पुलिस के अन्य जवान मौजूद रहे, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए शासन द्वारा लगाए गए कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है तथा लोगों से अपील किया जा रहा है कि कर्फ्यू का पालन करें और कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव और एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, आप रास्ते में 36 जगह रुके बाबा का तनाव करते करते 50 जगह का तनाव होता है, लेकिन मुझे जगह कराई थी देख लो, एक परिचय पत्र देख लो, हॉस्पिटल वाले हो तो जाने दो। शासन के सख्त आदेश के बावजूद कुछ लोग उसके वॉयलेशन में निकल रहे हैं, उन्हीं लोगों का चालान किया जा रहा है और हिदायत दी जा रही है कि आइंदा इस तरह का उल्लंघन न करें। ये उन्हीं की सुरक्षा के लिए है, इसमें अधिकतर जनता इसमें पूरा सहयोग कर रही है। गिने चुने 2-4-10 लोग इस तरह की गलतियां कर रहे हैं, उनको भी चालान करके सुधारने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सर, ऐसे लोग जो बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जा रहा है। उनके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जा रहा है और मुकदमा भी उनके खिलाफ दर्ज किया जा रहा है। देखिए, अभी वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया, वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, 59 घंटे का होगा। अभी रात 8 बजे शुरू होगा और सोमवार को सुबह 7 बजे तक रहेगा।
तो अभी से हमने चेकिंग प्रारंभ कर दी है, जो लोग इसको वायलेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। संक्रमण बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और ये हम सबकी जिम्मेदारी है, पुलिस की, प्रशासन की, पब्लिक की, कि इसको रोकें। तो अब बिल्कुल कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आज सर कुछ लोग लापरवाही भी कर रहे हैं और उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं? देखिए बहुत लोग लापरवाही कर रहे हैं, कुछ लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत ही बड़ी धनराशि का चालान किया जा रहा है। धनराशि बढ़ के 1,000 हो गई है और दूसरे और उसके बाद के ऑफेंसेस पे 10,000 रुपये का है। अगर पब्लिक में कोई थूकता है तो 500 रुपये का जुर्माना। ये सारे जुर्माने किए जाएंगे और बिल्कुल सख्ती से लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का अनुपालन कराया जाएगा।